कई बार तुम लड़कियों से कहा है कि मुझे माँ नहीं मम्मी या मामा कहा करो। क्यों आम लोगों की तरह पेश आती हो? माफ करना मम्मी। बहुत जल्द हमारे शहर में बहुत बड़ा स्वयंवर होने वाला है। राजकुमार माइकल की तरफ से हमें दावत भी आई है। लोग कहते हैं वो शादी के लिए एक लड़की ढूंढ रहा है। चलो आखिर वो वक्त आ ही गया जब मेरी बेटियां राजकुमार से मिल पाएंगी। दोनों में से एक को तो वो पसंद कर ही लेगा। मैं भी तो मम्मी को यही बता रही थी ना, पर तुम्हें तो हर बात मम्मी को जल्दी बोलनी होती है। बड़बड़ी। तुमने मुझे बड़बड़ी कहा? चुगलखोर कहीं? एक बार नहीं दो बार नहीं कितनी बार तुम दोनों को बोलना होगा कि आम लोगों की तरह हरकतें मत किया करो। मेलबा, नेले, सिंड्रेला, यहाँ आओ जल्दी से। सिंड्रेला, जी मामा, जल्दी नहीं आ सकती थी? मैं आपकी आवाज सुनते ही आ गई, वो बस नीचे अब से। अब जल्दी करो, तौलिया और नए कपड़े लेकर जल्दी से घाट के पास जाओ। मेरी बेटियां नदी में गिर गई हैं। जल्दी जाओ वरना खैर नहीं तुम्हारी। जी मामा। और वापस आने के बाद नीचे की और ऊपर की दोनों सीढ़ियां अच्छे से साफ करना, फिर खुद भी साफ हो लेना। कितनी गंदी लग रही हो। जी मामा। वाह, बहुत जल्दी आ गई तुम सिंड्रेला। सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम हमारे लिए नाव चला रही होती तो हम पानी में गिरती ही नहीं। पर मैं तो सारे घर का काम कर रही थी और। ओहो बेचारी, तुम्हारी सजा है कि जल्दी से आके मुझे कपड़े पहनाओ। नहीं, पहले मुझे पहनाओ, मुझे सर्दी हो गई है। नहीं, पहले मुझे। नहीं मुझे। नहीं मुझे। नहीं मुझे। एक अच्छी लड़की तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी माइकल। तुम्हें पता नहीं तुम्हारी शादी करने के फैसले से मैं कितना खुश हूँ, और तुम्हारे बच्चों के होने से तो शायद मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही ना हो। जी पिताजी, इस वक्त तक पूरे शहर में हमारा दावतनामा पहुंच चुका होगा। आज की शाम वाकई में बड़ी लाजवाब होगी। नहीं, मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। तुम्हारी शक्ल तो भूतनी जैसी है। तुम होगी भूतनी। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो प्यारी और नेक दिल हो। जरूरी नहीं कि उसका घराना बड़ा हो, पर उसका दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। जमीन साफ करो सिंड्रेला, दीवार साफ करो, कमरा साफ करो सिंड्रेला, सूखे हुए कपड़े इस्त्री कर दो सिंड्रेला, काम करो सिंड्रेला जल्दी से, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। जी मामा।
मुझे काम करने से कोई एतराज नहीं है, पर मैं कितनी अकेली हूँ। बस वही एक पेड़ है जिसके पास कभी कभी चली जाती हूँ। मुझे वो दिन याद है जब हमने उसे लगाया था। हो पिताजी, आपकी बहुत याद आती है। जब आपने माँ के मरने के बाद टेम से दूसरी शादी की थी, तब तो ये लोग सब ठीक थे, पर पिछले साल जब से आप गुजरे, यहाँ सब कुछ बदल गया है। तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़कर कैसे चले गए? अपनी दोनों बिगड़ी हुई लड़कियों के सहारे। हम कितने गरीब हैं, जलसे में जाने के लिए हमारे पास कपड़े तक नहीं हैं। हमें घर पर ही उन्हें सीना पड़ेगा, या फिर शायद सिंड्रेला को ही सीना पड़ेगा। तुम्हारा क्या ख्याल है प्यारी बिल्ली? सिंड्रेला? लड़कियों, अब ध्यान से सुनो। सोचो कि तुम पार्टी में पहुंच गई और मैं राजकुमार माइकल हूं। तुम मुझे क्या कह के बुलाओगी? राजकुमार माइकल? नहीं 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 नहीं, राजकुमार माइकल नहीं, अपने पन से प्यार से बुलाना। हुजूरे आला कैसा रहेगा? हाँ, बहुत नजदीक थे तुम, पर उतनी नहीं जितना के होना चाहिए। तुम राजकुमार को कहना बहादुर, खूबसूरत, लाजवाब, सबसे अलग, होशियार सरकार। देखना वो बहुत खुश होगा। अब मुझे इन सबके पहनने के लिए ड्रेसेस बनानी होंगी। पता नहीं इतनी जल्दी मैं कैसे बना पाऊंगी। काश मैं भी उस जश्न में जा सकती और राजकुमार से मिल सकती। तुम जरूर जाओगी सिंड्रेला। ये नहीं हो सकता, पेड़ बातें नहीं करते। शायद मैं सपना देख रही हूँ। और अब तुम ज्यादा दिन अकेली भी नहीं रहने वाली सिंड्रेला। कौन है यहाँ और ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जाओ प्यारे दोस्त, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। तुम्हें किसी ने भेजा है ना, ताकि मैं अकेली ना रहूं। तुम मेरे दोस्त बन सकते हो। वाओ, अब तुम्हारा नाम क्या रखूं? राजकुमार माइकल है। मैं कब से इनसे मिलना चाहती थी। लोगों का कहना है कि ये दुनिया के सबसे अच्छे राजकुमार है, और तुम दुनिया की सबसे प्यारी पपी हो। मैं जानती हूँ, मैं तुम्हें राजा बुलाऊंगी। Yeah.
मेहरबानी करके मुझे जाने दो। राजा नाम है मामा, ये मेरा है, मुझे नदी किनारे मिला। तुम्हारा? मेरे मरने के बाद ही सिंड्रेला, ये मेरी बच्चियों को पसंद आएगा। पर मामा, नीचे जाओ अभी इसी वक्त और वहीं रुको। जी मामा। आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा और ये मेरा हुक्म है। लड़कियों, ये कुत्ता तुम्हारे लिए, शायद तुम इसे पालना चाहो तो रख लो। मेरी प्यारी बिल्ली, पुची पुची पुची, हमेशा मेरी प्यारी रहोगी। चलो मुझे प्यार करो। मैंने इसका नाम फुलवा रखा है। ओ बस अब मेरी बारी। वुहू। जो भी बेचने आए हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, चले जाओ। मोहतरमा सुनिए तो सही, मैं राजमहल से दावतनामा लेके आया हूँ। होने वाले स्वयंवर के जलसे के लिए पूरे शहर को बुलाया गया है। जलसे का? तब तो मैं 3 लूंगी, 1 मेरे लिए, 2 मेरी खूबसूरत बेटियों के लिए। ये मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? आपकी और आपकी बेटियों के अलावा यहाँ और कोई नहीं रहता है क्या? नहीं, वैसे 1 बिल्ली, 1 कुत्ता, हाँ, सिंड्रेला। सिंड्रेला? हाँ, पर उसे इंसान तो कह नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं ऐसे अजीब, इसलिए हम नहीं चाहते कि वो लोगों के बीच आए। आप समझ सकते हैं ना? बड़ी घमंडी मगरूर किस्म की लड़की है वो। नहीं नहीं, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी वहां जाना चाहती हूँ। ये मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? जब तक हम लौट के आते हैं सिंड्रेला, सारी खिड़की दरवाजे साफ कर देना, जमीन अच्छे से पोंछ देना और रात का खाना बना देना। और आज रात से तुम सिलाई भी शुरू कर सकती हो। जी मामा। और अगर तुम सोच रही हो कि हम नहीं रहेंगे तो तुम फुलवा के साथ खेलोगी, तो फिर फिक्र मत करो क्योंकि हम उसे ले जा रहे हैं। चलो, बहुत सी बातें हो गई हैं। लड़कियों चलो अब हम चलें। Thank you.
उस जादुई आवाज का क्या मतलब था पिताजी? कि मैं जाऊंगी? ये कैसे मुमकिन है? मेरे पास तो दावतनामा भी नहीं और पहनने को कपड़े भी नहीं। ओह, मेरा सबसे प्यारा ड्रेस। मैं कामों में इतनी उलझी थी कि इसके बारे में भूल ही गई। शायद मैं इस ड्रेस को पहनकर उस जलसे में जाऊंगी। रुफ, रुफ, रुफ। अरे राजा, तुम वापस आ गए। कितना अच्छा हुआ। लेकिन मामा बहुत गुस्सा होंगी। पर मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि तुम जो मेरे साथ हो। चलो नदी किनारे जाकर खेले, बाकी काम बाद में कर लेंगे। रुको, मम्मी, रुको, हलवा कहीं गिर गई है। अरे नहीं, ओ। अच्छा हुआ किसी एक के खाने का इंतजाम तो नहीं करना होगा, मुझे वैसे भी कुत्ते कुछ खास पसंद नहीं। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत है। क्यों, क्या ख्याल है लड़कियों? कितना हुआ? सिर्फ 6 चांदी के सिक्के देने होंगे मैम। क्या है ना, हमारे यहाँ सेल लगी है। 6? पर मेरे पास तो बस उतने ही है। मेरे पास मतलब आज मेरे पास उतने हैं। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर उस राजकुमार ने तुम में से किसी एक से शादी नहीं की तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। जी मम्मी, जी मम्मी। ओ, तुम बहुत होशियार हो। काश हम पूरा दिन खेल पाते। पर अब शायद घर चलना चाहिए। मामा के आने से पहले घर के काम कैसे खत्म करूंगी? ओ राजा, खेलने में काफी वक्त निकल गया, अब मैं क्या करूंगी? हम तुम्हारी मदद करेंगे सिंड्रेला। हाँ, हम मदद करेंगे। अच्छा ठीक है फिर। नहीं जानती कि तुम्हारी इस मदद का एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगी। और तुम प्यारे दोस्त,
तुमने तो आज मुझे सिंड्रेला जाओ यहाँ से, वो तुम्हें देख लेंगे। उस पेड़ के पास जाके छुप जाओ राजा, मैं आती हूँ वहाँ। जाओ। कौन था यहाँ? कौन था मामा? हाँ? तुम्हारे काम में मदद किसने की? मैंने तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना है। ओह, वो तो मैं इन प्यारी प्यारी चिड़ियों से बात कर रही थी। अच्छा, अब बकवास बंद। जल्दी से ऊपर आओ, बहुत जरूरी काम मैंने रखा हुआ है जो तुम्हें पूरा करना है, समझी? जी मामा, ये कितने छोटे बना दिए बेवकूफ लड़की! तुमने ऐसा जानबूझकर किया है सिंड्रेला? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम तुम्हें कल जश्न में नहीं ले जा रहे। पर मैंने तो आपका दिया सारा कपड़ा इस्तेमाल कर दिया। तुम मुझ पे गलत इल्जाम लगा रही हो, तुम्हारी इतनी जुर्रत! मुझे माफ कर दीजिए मामा। गलती की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जाओ और अपना सबसे प्यारा ड्रेस लेकर आओ, उसको काट के हम उसका इस्तेमाल करेंगे। नहीं मामा, प्लीज, ये ड्रेस मुझे बेहद पसंद है। अब नहीं होगा, अब तुम सबक सीखोगी। जल्दी तो ये तैयार नहीं हो सकते। मेरा सबसे प्यारा ड्रेस पूरा बर्बाद हो गया। पर चलो, कम से कम मेरे नन्हे दोस्त तो है मेरे पास। इस ड्रेस से कहीं ज्यादा जरूरी है। ओह, तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा। वो तुम्हें सुन लेंगी। मुझे ये सारे ड्रेस ठीक करने हैं, पर मुझे बहुत नींद आ रही है। मेरी आंखें भी मुश्किल से खुल रही हैं।
बापरे, मैं सो कैसे गई? ओह, ओह, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूंगी। चुकानी पड़ेगी सिंड्रेला। ओ, मेरी प्यारी अच्छी भोली भाली बिल्ली, जरूर इसने ही तुम्हें डराया होगा, है ना? जवाब दो, बदतमीज है वो, बहुत बदतमीज। नहीं मामा, मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक करो, अभी इसी वक्त ठीक करो इसे। तो बेटा, रात की सारी तैयारियां हो गई है ना? जी पिताजी। बड़ा ही कमाल का नजारा होगा, मेरा बेटा माइकल राज्य की सबसे खूबसूरत लड़कियों के साथ नाच रहा होगा। जी हाँ, वो तो है। पिताजी, कल मैंने एक अजीब सा सपना देखा, वो था कि मुझे मेरी राजकुमारी मिल गई। जब आप माँ को मिले थे तब आप जानते थे कि वही आपकी रानी है? हाँ, ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, मैं तो उसे देखते ही पहचान गया था, और देखना तुम भी उसे पहचान लोगे। मोहब्बत एक बहुत ही अलग और गजब का एहसास है ये। तुम्हारा शुक्रिया सिंड्रेला, अब हम लोग राजकुमार के जश्न पे जा रहे हैं। तुम्हें हर वक्त याद करेंगे सिंड्रेला। खास तौर पे जब मैं राजकुमार माइकल के साथ नाच रही होंगी। तुम्हारा मतलब जब मैं राजकुमार के साथ नाच रही होंगी? चलो अब बहुत हुआ, वो तुम दोनों के साथ ही नाचेगा। सिंड्रेला, याद रखना कि हमारे लौटने तक पूरे घर की सफाई हो जाए। सब कुछ दो बार करना। ले ले टिक टॉक। लड़कियों, चलो चले जल्दी से। देर हो गई है, मैं राजा के स्वयंवर में नहीं जा पाऊंगी। आओ सिंड्रेला, आ। वही जादुई आवाज। आओ सिंड्रेला, आ। वहाँ
घबराओ मत सिंड्रेला, मैं हूँ तुम्हारी परी माँ। मेरी कौन? तुम्हारी परी माँ। बच्ची, मैं सभी अच्छे लोगों के पास होती हूँ, हम बहुत सी अच्छी चीजें करते हैं। तुम राजकुमार के जश्न में जाना चाहती हो, है ना? हाँ, हाँ, मैं वहाँ जाने को बेताब हूँ। तब तो तुम जरूर जाओगी सिंड्रेला। पहले तुम्हारे लिए एक सुंदर ड्रेस लाते हैं। बहुत खूबसूरत है। और एक प्यारा सा ताज। एक बग्गी, अब हमें एक बग्गी चाहिए, है ना? वाह, बढ़िया है। और नदी के दो प्यारे से मेंढक। यहाँ आओ, यहाँ आओ, कहाँ जा रहे हो? अरे वाह! मैं कुछ भूली तो नहीं ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये सच में हो रहा है। मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ। सैंडल, इसे तो सैंडल चाहिए। खूबसूरत है। हाँ, याद रहे कि तुम्हें रात 12 बजे से पहले घर लौटना है, तब जादू का वक्त खत्म हो जाएगा। रात 12 बजे याद रखना। हाँ परिमा, याद रखूंगी। आज मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात बनाने के लिए बहुत शुक्रिया। ये तो बस शुरुआत है। जाओ, अब जल्दी जाओ सिंड्रेला। और याद रखना, रात 12 बजे से पहले।
मुझे नहीं लगता आपके साथ डांस करने का सौभाग्य पास होगा, है मैम? नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। ये तो मेरी खुश नसीबी है कि खुद मेरे पास आप आए हैं। मैं जरूर आपके साथ डांस करूंगी। वो मुझे अभी याद आया कि नीचे तहखाने से मुझे कुछ सामान लाना है, मैं बस अभी आया। अरे कितनी खूबसूरत लड़की है। ये कौन है? बहुत ही प्यारी बच्ची है। जरूर कहीं की रानी है। क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? जी हाँ, ये तो मेरी खुश नसीबी होगी। हमारा तो खेल ही खत्म। जल्दी से कोई तरकीब सोचो लड़कियों। उसे उठा के नदी में फेंक दे मामा तो कैसा रहेगा? जैसे ही मैंने तुम्हें देखा था तब से मैं समझ गया था कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही नाचूंगा। मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहूंगा। क्या मुझे अपना नाम बताओगी? जी राजकुमार, मेरा नाम है। अरे 12 बज गए? नहीं, आप यहीं रुकिए, मैं बस अभी, मुझे भी जाना होगा। इतनी जल्दी नहीं। मैं इस चीज के जरिए उसे ढूंढ निकालूंगा और जैसे ही वो मिल जाएगी उससे शादी कर लूंगा।
राजकुमार माइकल पूरी सल्तनत में एक ऐसा पैर ढूंढ रहा है जो एक शीशे की सैंडल में आ जाए, पर नसीब से अभी तक उसे कोई नहीं मिली। किसी भी लड़की को वो सैंडल नहीं आया अब तक। जब वो यहाँ आएगा उस सैंडल के साथ, याद रखना तुम में से एक को वो आना ही चाहिए, ये मेरा हुक्म है। लेकिन वो हमारे पैर में ना आए तो मामा? फिर मौत से भी बदतर चीज के लिए तैयार हो जाओ मेलबा। वो आ गया मामा। ओ, राजकुमार माइकल आ गए। क्या आप अपना पैर आगे करेंगी मिस मेलबा? मुझे अपनी सांस रोकनी होगी। अरे अरे एक मिनट। ये आपका नहीं है। मुझे भी लग रहा था, इसके पिता के पैर बहुत लंबे थे। नैली के बड़े नाजुक है मेरी तरह। कोई मदद करो तो आ जाएगा। इनके पैर कुछ ज्यादा ही लंबे हैं। अगर आप कहें तो मैं कोशिश करूं। नहीं शुक्रिया। क्या और कोई लड़की भी रहती है यहाँ पर? नहीं, बस मेरी दो बेटियाँ, मैं और मेरी बिल्ली। एक और भी थी ना, सिंड्रेला। जरा सिंड्रेला को बुलाइए। सिंड रेला, सिंड्रेला, सिंड्रेला। पर वो तो उस रात यहाँ घर पर ही थी। पर हमने तो सभी को दावत दी थी मैडम। जी हाँ, वो क्या है, दावत तो थी पर आपने बुलाया मामा? ओह राजकुमार। क्या तुम्हारा ही नाम सिंड्रेला है? जी जी राजकुमार। ऐतराज ना हो तो क्या तुम मुझे ये सैंडल पहन के दिखाओगी सिंड्रेला? ये गंदी बेवकूफ जाहिल लड़की को बिल्कुल नहीं आएगा। मैडम जबान संभाल के बात करिए वरना आपको कैदखाने में डाल दूंगा। वो तुम ही थी है ना? जी हाँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ सिंड्रेला। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी समझ गया था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ओह जी राजकुमार, मैं आपसे शादी करूंगी। मैं आपको बेहद चाहती हूँ। जरा रुकिए। मेरे राजा, मैं तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ। Ha 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 ha